सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन जो चल रहा है फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। दो फीचर्स हम देख चुके हैं। पहला फीचर कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स अलग अलग होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और दूसरा जो हमारा मेजोरिटी पार्टी होती है वो करती है रूल। ठीक, तो मेजोरिटी पार्टी के साथ हमने कोलिशन गवर्नमेंट का भी सिस्टम देखा था, और ये देखा था कि प्राइम मिनिस्टर चूज करता है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों को ही कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तीसरा हमारा जो है फीचर वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ये, और एक तरह से बोल सकते हैं बेड रॉक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 75 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 75वें आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। ठीक, ये क्या बोलता है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो इन जनरल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट के लिए, और इन पर्टिकुलर, अभी मैं समझाता हूं आपको, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए। देखो, हमने वो देखा था, उसको हमेशा ध्यान रखना इस डायग्राम को आप। कई सारे एमपीज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इसके अंदर कैबिनेट, ये है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि मिनिस्टर्स। ये जो भी फैसला लेते हैं, जो भी इनके पॉलिसीज एक्ट्स जो बनाते हैं, ये बाइंडिंग होते हैं, ये पूरे एक्सेप्ट करती है हमारी लेजिस्लेचर। इसको चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। और ये हो गई हमारी लोकसभा, ये हो गई हमारी राज्यसभा। ठीक है, इसमें कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। तो जो भी यहां से पॉलिसी बनी, जो भी यहां से लॉ बना, उसको इन्होंने पास किया लोकसभा ने, फिर राज्यसभा ने पास किया, तो ओवरऑल इनको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। तो इन जनरल होल लेजिस्लेचर जो बॉडी है वो क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा। एक चीज और, कैबिनेट जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होंगे, नहीं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये लोगों ने जो पॉलिसी बनाई, जो भी एक्ट किया, वो होल रेस्पॉन्सिबल जनरल किसके रेस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट के, दोनों हाउसेस के। पर पर्टिकुलरली देखें तो किसके रेस्पॉन्सिबल है? हमने किसको चुना है लॉ बनाने के लिए? लोकसभा को। तो पर्टिकुलर किसके रेस्पॉन्सिबल हुए? इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा के। इसका मतलब ये था, क्लियर हुआ? तो इन पर्टिकुलर दीज मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू दिस लोकसभा, वाइल इन द केस ऑफ जनरल, जनरली दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड दीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। दूसरा इसका मतलब है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब खाली इनका काम, रेस्पॉन्सिबल कौन है? पूरा लोकसभा। इसके अलावा अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इनको एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि बाकी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो नो कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमको नहीं है कॉन्फिडेंस इस गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में मतलब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो ये फैसला ले रहे हैं, ये कैबिनेट जो फैसला ले रहे हैं, इनमें हमको नहीं है विश्वास, तो इसलिए हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है। इसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर जो इसको हेड कर रहे हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो फॉल हो जाएंगे। ठीक, यानी कि वहीं की वहीं इनको बोल सकते हैं कि ये डिसॉल्व हो जाएगी हमारी गवर्नमेंट। क्यों डिसॉल्व हो जाएगी? क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो अपना भरोसा लोकसभा के ऊपर खो चुके हैं, तो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको उन्होंने गवा दिया है। यह है इसका मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कलेक्टिव है, सिंगल नहीं, पूरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर हो गया? जनरल और पर्टिकुलर। नो कॉन्फिडेंस के बारे में जब हम पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे, जब हम कई सारे मोशंस देखेंगे, एडजॉर्नमेंट मोशंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन और बाकी के जो मोशंस हैं, तब हम समझेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट वीडियो।